मारी टू जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो मेरे ख्याल से जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, इसके बारे में जो वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, इसके बारे में जो बातचीत हो रही है, वो स्ट्रांग होती चली जा रही है। अब वैसी परिस्थिति में अगर आप ये सोचें कि उसकी रिलीज डेट अनाउंस हो जाए तो क्या हो, रिलीज डेट अनाउंस हो गई, वो है 21 दिसंबर। धनुष एक बहुत बड़े स्टार है, धनुष की फिल्में जब आती हैं तो लोग रुक करके देखते हैं, नोटिस करते हैं क्या हुआ। अभी आप बड़ा चेन्नई देखा है आपने, क्या फिल्म थी, क्या परफॉर्मेंस थी और क्या रिसेप्शन था फिल्म का। उसी तरह मारी जो थी, जो 2015 में रिलीज की थी, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी हिट थी। अब उसी का सीक्वल आ रहा है, एक तो बड़ी फिल्म का सीक्वल है, बड़ा हीरो है, बड़ा पैमाने पर बनाई हुई फिल्म है, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन समस्या क्या है, बालाजी मोहन की ये फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज कर रही है, वंडर बार फिल्म्स जो धनुष की प्रोडक्शन हाउस है उसकी प्रोडक्शन है। लेकिन अब समस्या क्या है कि इस फिल्म का टकराव जो है होने जा रहा है दो बड़ी फिल्मों के साथ, और ये फिल्म केरला में भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि इसमें टोबिनो थॉमस जो है वो और स्ट्रेंथ ऐड करेंगे केरला के बजट के बिजनेस पे, इसलिए क्योंकि टोबिनो वहाँ बहुत बड़े स्टार हैं। केरला में बहुत बड़ी धूम है कि धनुष और टोबिनो एक साथ आने वाले हैं, दोनों टकराने वाले हैं। टोबिनो इससे पहले भी नेगेटिव रोल कर चुके हैं, ABCD में किया, स्टाइल में किया, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड विलन स्टार बनने के बाद वो पहली बार कर रहे हैं काम। अब मारी टू में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, साई पल्लवी हैं, कृष्णा हैं, वरलक्ष्मी शरद कुमार हैं, रोबो शंकर हैं, इतने सारे अच्छे लोगों के बीच में जब ये फिल्म रिलीज कर रही है, और युवान शंकर की म्यूजिक है जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, राउडी बेबी जो उसका गाना है मैंने सुना, मुझे तो मज़ा आ गया सुन करके। मैं उसको रिव्यू करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया थोड़ी सी मसरूफियत के चलते, हो सकता है कभी फ्यूचर में कर दूँ मैं, मुझे कैसा लगा गाना या क्या लगा, मैं कभी बात कर लूँ आपसे इस बारे में। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 21 दिसंबर को क्या, 21 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज करेगी, एक फिल्म रिलीज करेगी कन्नड़ा से KGF, उसके बाद एक बॉलीवुड की फिल्म रिलीज करेगी जीरो, तीनों के तीनों आपस में टकराएंगी और तब क्या होगा, धमाका, ऐसा धमाका जिसे देख करके लोग भौचक्के रह जाएंगे। तीनों फिल्में आपस में टकराएंगी, अलग तरह का बिजनेस जो है एक टूट करके निकलेगा। मैं बहुत ही ज्यादा अब चिंतित हो चुका हूं क्योंकि देखें आप, जीरो जो है वो एक पैन इंडिया से पैसा कमाने के प्लान के हिसाब से बनाई हुई फिल्म है, वो बॉलीवुड की फिल्म है। कर्नाटका में उसका बिजनेस ऑलरेडी डाउन होने जा रहा है क्योंकि KGF डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ इसके बिजनेस को हिट करेगी। तमिलनाडु में अब अगर ये पिक्चर आ रही है मारी टू, तो यहां पर भी जीरो का बिजनेस हिट करेगा, और चूंकि इसमें टोबिनो थॉमस है तो केरला में भी इसका बिजनेस हिट करेगा। तो अब जो ये समस्या पूरी खड़ी होते चले जा रही है, मुझे नहीं पता कि अब इस समय जब फिल्में रिलीज करेगी तो कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, किसका। देखिए पहला सारा दारोमदार रहेगा पहले 4 शो के ऊपर, अगर उन 4 शो से निकलने वाली पब्लिक अच्छे शब्द बोलते हुए बाहर निकलती है, पब्लिक रिएक्शन अच्छा होता है, फिल्म चलेगी। कोई नहीं रोक सकता है फिल्म को चलने से, फिल्म को चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पब्लिक का रिएक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन सा जो है लाखों फिल्में बना चुका हूँ, मैं भी तो एक दर्शक ही हूँ जिसने धीरे धीरे इतनी फिल्में देख ली हैं कि अब उसके बारे में बात कर पाता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो सारा रिएक्शन पब्लिक का है बस वही मैटर करता है। हर आदमी जो देख रहा है फिल्म को वो अपने नजरिए से देखता है, और धनुष की ये जो फिल्म है इसको देख करके तो आनंद आना ही है क्योंकि धनुष अपने पूरे रंग में दिखाई दे रहा है। उसी तरह शाहरुख ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा रोल किया है। उधर यश की तो क्या बात कहा जाए, इतना अच्छा रोल कर रहे हैं, मुझे तो उनकी एक्टिंग देख करके ऐसा लग रहा है कि एक अतिशोक्ति होगी थोड़ी सी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस छोटा हो गया हूँ और वापस मैं अमिताभ बच्चन की जो है एक मसाला फिल्म देख रहा हूँ, समथिंग लाइक अग्निपथ या दीवार। बड़ी बात कर रहा हूँ, छोटा मुँह है लेकिन फिर भी क्या कहूँ, जो दिल में आता है कह देता हूँ आप। अब इन तमाम चीज़ों के साथ जो है देखा जाए क्या होता है। मैं आपको कदम ब कदम जो जो चीज़ें होती चलेंगी, जो जो खबरें आती चलेंगी बताता रहूँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को देखते रहें। मैं अनुपम हूँ, ये टुडेज़ है, और मैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊँगा।